नमस्कार दोस्तों, मैं राम सूर्या हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। राम सेतु फिल्म मैंने पूरी देख ली है। दिवाली का मौका था और अक्षय कुमार की फिल्म मुझे कैसी लगी ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात अक्षय कुमार की करें, अक्षय कुमार का जो लुक है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आर्यन कुलक्षेत्र नाम का वो रोल प्ले करे, जो कि एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक आर्कोलॉजिस्ट है, यानी कि आप बोल सकते हो जो एक्सपीडिशन करते हैं, ज़मीन खोद के कुछ ना कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, उस तरह का काम रहता है, खजान ढूंढते हैं, हर तरह का, समझ गए ना, जो सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्यन कुलक्षेत्र की जो वाइफ है वो है प्रोफेसर गायत्री, यानी नुसरत बलूचा। तो अब क्या होता है ना, एक प्रोजेक्ट मिलता है आर्यन कुलक्षेत्र को, उन्हें कहा जाता है कि 3 दिन का टाइम तुम्हारे पास है, तुम्हें 3 दिन में ये प्रूफ करना है कि राम सेतु क्या सच में है या नहीं। अगर तुम ये प्रूफ करते हो कि राम सेतु सच में है या था किसी वक्त, तो कोर्ट जो है वो राम सेतु को बचा लेगी। अगर ये नहीं प्रूफ कर पाते हो कि राम सेतु था या नहीं, तो कोर्ट राम सेतु को तोड़ने का डिसीजन ले लेगी। क्योंकि एक बंदा है, यानी कि हमारे नसर साहब है, जो पुष्पक नाम की एक शिपिंग कंपनी के कर्ता धरता यानी कि मालिक है, और वो चाहते हैं कि राम सेतु तोड़कर एक समुद्री मार्ग बनाया जाए जो कि काफ़ी शॉर्टकट होगा। तो ये चाहते हैं हमारे नसर साहब, जो कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं विलन है, और कोर्ट उनके फेवर में कहीं ना कहीं नज़र आती है, क्योंकि कोई प्रामाणिकता नहीं पता चलती राम सेतु को। लेकिन अक्षय कुमार चल पड़ते हैं अपनी जर्नी पर। जैकलिन फर्नांडिस इस फिल्म में आई थिंक मारेलो नाम का कुछ, मारिया रोजी या मारेलो कुछ नाम का, इस तरह सा एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का रोल निभा रही है, जो कि गोवा से है। और उसके साथ बाकी जो टीम है वो ये ढूंढने में लगती है कि क्या वाकई में राम सेतु था या नहीं। उसकी खोज में भारत में राम सेतु के यहाँ पर जाते हैं अक्षय कुमार जैकलिन के साथ और बाकी टीम के साथ। इसके अलावा श्रीलंका भी जाते हैं, और श्रीलंका भी जाते हैं तो साथ में जो रहते हैं एक दोस्त मिलते हैं उन्हें, AP, यानी कि हमारे सत्यदेव साहब। सत्यदेव का यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग और कमाल का रोल है। तो सब मिलके क्या पता लगा पाते हैं वाकई में कि राम सेतु क्या मैनमेड चीज़ था या फिर नेचर ने अपनी से बना दिया है। तो ये जो फिल्म की जो कहानी वो बहुत अच्छी है। कहानी के अलावा आपको बता दूं, फिल्म के जो सेकंड पहली बात तो पूरी फिल्म में कोई गाना नहीं है, एंड में गाना आता है। ये बहुत अच्छा किया है मेकर्स ने, अभिषेक मिश्रा जो डायरेक्टर, उन्होंने लिखा भी है। और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, एक सस्पेंस इस फिल्म में, फिल्म एंड होने से पहले जो सस्पेंस है ना, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन जो सेकंड हाफ का जो एंड है ना, वो फिल्म को काफ़ी उठा देता है। फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है, फिल्म सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत लो होती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो बहुत ही कम है ना, ऐसा पोर्शन है। सिनेमेटोग्राफी यानी कि जो विजुअल से बहुत ही कमाल का है, एरियल शॉट जो दिखाया जाता है राम सेतु का, दिल जीत लेता है वहाँ पर तो मतलब मेरा दिल जीत लेता है अक्षय कुमार जो वो राम सेतु के पत्थर को लेकर बाहर आते हैं। और सेकेंड हाफ में एक सीन है जो पहाड़ों के बीच में, जो रावण फॉल्स है ना, वहाँ पे जाते वक्त पहाड़ों का जो सीन है, वहाँ पे ट्रेन जाती रहती है, वो एरियल शॉट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर फिल्म का जो VFX है वो थोड़ा पुअर है, लेकिन मैनेजेबल है, क्योंकि स्टोरी काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी अच्छी तरह से इसको लिखा गया है, डायलॉग्स भी काफ़ी बढ़िया है, और इसलिए फिल्म काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, फिल्म में बेफिजूल के कोई गाने घुसाए नहीं गए, फिल्म का जो फील है वो बहुत अच्छा है, और एक अच्छी फिल्म साबित होगी ये कन्फर्म बात है। यानी कि कहा जाए 3 फेलियर के बाद इस साल और एक OTT रिलीज़ के बाद अक्षय कुमार इज़ बैक बैंक, और अक्षय कुमार का ये जो राम सेतु है ये दिवाली का तोहफा है पब्लिक के लिए, ये मैं पूरा प्राउडली कह सकता हूँ। और जो लोग इसको हेट करें या कुछ लोग मुझे कमेंट आए थे ये इसकी बुराई करें, भैया जाके कहीं मुंह छुपा लो, क्योंकि पब्लिक इस तरह से हुजूम उमड़ रहा है ना, पब्लिक का थिएटर के पास जा रही, इतना पब्लिक जा रही फिल्म को देखने कि भाई आपकी बोलते बंद होने वाले। तो राम सेतु इस परफेक्ट दिवाली एंटरटेनर। सबसे बड़ी बात तो मैंने बताना भूल गया, बच्चों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है, बच्चों को जिसे आपने रिव्यू में देखा होगा, और ये फिल्म बच्चों के साथ जाइए दिवाली में देखिए, आपका पैसा वसूल होगा। और सबसे बड़ा सवाल क्या, सूर्या मैं तेरे पे भरोसा करूँ और पैसे खर्च करूँ क्या इस फिल्म पर, मैं कहूँगा डबल भरोसा करो, अगर आपका पैसा वसूल नहीं होगा तो मैं खुद अपने जेब से पैसा दे दूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये उतना प्राउड अगर मेरे को एक फिल्म के ऊपर हो रहा है तो वाकई में फिल्म अच्छी होगी, और वाकई में फिल्म अच्छी है। जगह जगह जहाँ BGM में जय श्री राम बजता है, म्यूज़िक आते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो कुल मिला के मज़ा आ गया फिल्म देखकर, बच्चे भी खुश, सब खुश, और मैं भी खुश हूँ, क्योंकि फिल्म में कोई फालतू सीन नहीं है, कोई घटिया सीन नहीं है, कोई रोमांटिक सीन नहीं, सब अच्छी तरह से बुना गया है। अभिषेक जो
मिश्रा है उनको ताली है उसे उनका स्वागत करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। दूसरी बात, इसके जो जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी है वो भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं जुड़े थे सपोर्ट करने के, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से काम किया है। तो कुल मिला के मेरी जो रेटिंग है, इतना कुछ कह दिया हूँ तो वो 5 में से 4 स्टार, उससे नीचे बिल्कुल नहीं है, उसके नीचे कोई दे ही नहीं सकता, इतनी कमाल की फिल्म है। तो वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ ही बेल बटन आइकन दबाना ना भूलिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।